हेलो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप लोग के लिए लाया हूँ। एक्सरसाइज से डिप्रेशन का सीधा कनेक्शन। हाल ही में किए गए नए रिसर्च के अनुसार हफ्ते में अगर हम 75 मिनट भी एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो हम डिप्रेशन से बचेंगे, खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। अगर हम हफ्ते में 75 मिनट भी टहलते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं। यह नतीजा ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में सामने आया है। रिसर्च से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सुझाई एक्सरसाइज की अवधि से आधा समय भी कसरत करने पर डिप्रेशन के असर सिर्फ और सिर्फ 20% ही रह जाता है। WHO के मुताबिक सप्ताह में 150 मिनट कसरत जरूरी है। वही कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे आधा भी समय दे तो शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज से शरीर में एंड्रोफिन नाम का केमिकल बनता है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। इससे डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को काफ़ी मदद मिलता है। डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वह सामाजिक गतिविधियों में दोबारा सक्रिय होना भी शुरू हो जाते हैं। यह रिसर्च 190,000 लोगों पर की गई। इसमें भारत, अमेरिका, रूस, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत यूरोप के देशों के लोग भी शामिल थे। अध्ययन में शामिल लोगों में 28,000 डिप्रेशन से जूझ रहे थे। रिसर्च टीम के अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू पियर्स के मुताबिक शारीरिक गतिविधियों से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होता है। डिप्रेशन के कारण नींद न आना, वजन बढ़ना, आँखों की कमजोरी, थकान, काम में मन न लगना जैसी समस्याएं हो सकती है। दुनिया में लगभग 28 करोड़ लोग डिप्रेशन की चपेट में हैं। इसके कारण वे लोग लंबे समय तक निराशाजनक महसूस करते हैं। कुछ स्टडीज़ के अनुसार शारीरिक गतिविधियां डिप्रेशन का सामना करने में एंटी डिप्रेशेंट दवाइयों से भी ज़्यादा असरदार होता है। सो फ्रेंड्स, आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दे एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।